Hey everyone, assalamu alaikum and welcome back to another video. And this was another most requested video. ये कपड़े देख के पता लग रहा होगा एंड टाइटल से भी समझ आ गई होगी. रूम टूर में मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने कपड़े दिखाएं और आप अपने मेकअप दिखाएं, अपने शूज बैग्स ये सारी चीज़ें दिखाएं. तो आई एम स्टार्टिंग विद माई क्लोथ्स. ये मैं ये अभी थोड़े से बेड पर रखे हैं, थोड़ा यहाँ रखा है. तो मैं इसकी स्टार्ट ऐसे इसलिए कर रही हूँ कि मैं बैग दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने अपने फॉर्मल जो काम वाले कपड़े हैं जिनका स्पेशली मैंने काम करवाया था उनको इस तरह बैग्स में रखा था सो दैट उनका काम ख़राब ना हो. तो अगर आप लोग भी बनवाते हैं अपने कपड़े तो उनको इस तरह बैग्स में पैक करके रखा करें. ये इजीली अपनी कवर्ड में हैंग कर सकते हैं बैग के साथ. अब मैं इनको खोल के वापस आती हूँ. ओके, तो ये एक ड्रेस है मेरा. इसको इफ़ यू कैन सी, मैं वैसे ट्राई करूँगी कि अलग से भी इनकी प्रॉपर एक वीडियो शॉट्स बना दूँ उनका क्लोजअप काम की भी. बट ये एक शर्ट है, ये इस तरह से है, थोड़ी नीचे से स्टाइलिश सी बनी हुई है, टेढ़ी नीचे तक जा रही है यूँ करके इफ़ यू कैन सी. और इसके नीचे ये कुछ लगाया हुआ है ये. अच्छा, मैं ये बता दूँ सबसे पहले कि जो मेरे मोस्टली काम वाले ड्रेसेस हैं ना, मैं हर ड्रेस के साथ उसे मेंशन भी कर दूँगी उसकी प्राइस और वो कहाँ से बना है. लेकिन मेरे ऐसे जो काम वाले प्रॉपर अच्छे काम वाले ड्रेसेस हैं ना, वो सारे माई ब्रदर इन लॉ इज़ अ डिज़ाइनर, तो सब ड्रेसेस उन्होंने बनाए थे, इंक्लूडिंग माई बारात का ड्रेस एंड मेहंदी का ड्रेस. तो सारे कपड़े उन्होंने बनाए थे बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट बाजार वगैरह के कपड़े ज़्यादा ऐसे फॉर्मल, क्योंकि वो एक तो महंगे बहुत बनाते हैं. मतलब इस तरह के जो अच्छे काम वाले बनवाने जाओ को वो उस रेंज में नहीं बना के देंगे जिसमें उन्होंने खुद बनाया, क्योंकि ही इज़ अ डिज़ाइनर तो उनके पास अपने सारे वर्कर्स हैं, अपना टेलर है, सब कुछ है, तो उन्होंने बनाए. फॉर क्लोजअप व्यू यू कैन सी इस पर इस तरह से काम हुआ हुआ है एंड इसके स्लीव्स पे ऐसे काम हुआ हुआ है. इसके साथ इसका मैचिंग ट्राउजर है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई है बिकॉज आई हैवन्ट वॉर्न इट येट. तो उसी सेम कलर में प्लेन ट्राउजर है एंड इसके साथ ग्रे कलर का या सिल्वर कलर का दुपट्टा है नेट में और उसको ये इस तरह की पीको करवाई है. दिस इज़ द सेकेंड ड्रेस और यू कैन सी इसके गले पे काम है, ये साइड से नीचे जा रहा है काम और इसके स्लीव्स पे थोड़ा थोड़ा सा है और स्लीव्स पे ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ताकि वो थोड़ी सी लुक दे. और उसके बाद फिर नीचे बंचेस हैं एंड बॉटम पे भी काम है. मुझे दिखाने नहीं आने कपड़े एंड इट्स रियली डिफिकल्ट बैठ के. और ये ऑर्गेन्जा पे है. जो ब्लू वाला मैंने लास्ट दिखाया था वो प्योर शिफॉन स्टफ था, शिफॉन के जितने भी मेरे कपड़े होते हैं वो प्योर के होते हैं और ये ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है. लेकिन ऑर्गेन्जा पे वो हार्ड वाली नहीं है, इट्स सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, पता नहीं ये कुछ मिक्स स्टफ होगा शायद, लेकिन ये शिफॉन नहीं है, ये ऑर्गेन्जा टाइप स्टफ है. अच्छा, इसके साथ दुपट्टा जो है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से सब पैक करने के लिए. इसका दुपट्टा बताया जिस पर काम के बीच में थोड़ा सा मरून कलर है, तो दुपट्टा मरून कलर का है और इस पर फिर गोल्डन गोल्डन बंचेस टाइप बने हुए छोटे छोटे से. और इसका ट्राउज़र जो है वो बेल बॉटम स्टाइल में स्टिच हुआ है, ट्राउज़र ऐसे बेल बॉटम स्टाइल है. थर्ड इज़ दिस साड़ी, ये ब्लाउज है. अब इसके अंदर जो साड़ी है वो ऐसी है, मैं इसको पूरा नहीं निकाली वरना ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट्स इन थ्री कलर्स, वाइट एंड दिस मस्टर्ड एंड थोड़ा येलोइश मस्टर्ड सा कलर और ये है शॉकिंग पिंक सा. तो इस पर काम हुआ है मुकेश का एंड ये फुल भरी हुई है. आई हैव पिक्चर्स इन सम ऑफ द ड्रेसेस जो मैंने पहने हैं, नॉट सम, मेरे ख्याल से काम वाले मैं सब पहन चुकी हूँ एक दो के अलावा. तो मैं इन सारों के पिक्चर्स भी साथ साथ अटैच कर दूंगी सो यू कैन सी कि कैसा लगता है पहन के. सो दिस इज़ अ साड़ी एंड ये पहन के बहुत प्यारी लगी थी.
Here comes my most favorite dress. ये पूरा ऐसे आई होप नजर आ रहा हो. अच्छा क्लोज अप व्यू मैं लगा दूंगी. ये ड्रेस जब बन के आया था ना तो ये भी मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाया. तो माई ब्रदर इन लॉ एंड माई सिस्टर शोड मी ऑन वीडियो कॉल. उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिखाया. मैं लाइक क्या बनाया है ये, मतलब इतना भरा हुआ, इतना काम वाला और इतना पेंडू सा बना दिया तुम लोगों ने, कैसा ड्रेस बनाया. तो उन्होंने मुझे बोला कंजा ये सबसे महंगा ड्रेस है तुम्हारा और ये बहुत प्यारा है, तो मैं इसे क्यों कह रही हूँ. उन्होंने नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कैसा ड्रेस बनाया. और फिर मैंने सॉ इट इन रियल. तो ये मेरा मेरे शौहर की आमद हो गई है. अजय 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 इस पे बैठ जाओ. अच्छा साइड पे करते हैं. हेलो करें. हेलो. गर्मी लग रही है मुझे. पंखा चला लो. पंखा चला के वीडियो में आवाज खराब होगी. अच्छा एसी लगवाते हैं जी. चल मैं आवाज तोड़ दूँ. ओके तो मैं क्या बोल रही थी. हाँ तो ये ड्रेस जब मैंने रियल में देखा तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस बन गया. और जब मैंने इसको पहना तो भी बहुत प्यारा लगा. और इसका स्टफ भी प्योर शिफॉन है. और जो मैंने इससे पहले साड़ी दिखाई है उसका स्टफ भी प्योर शिफॉन है. और इसका जो ट्राउज़र है वो सेम कलर में स्ट्रेट ट्राउज़र है. और इसका दुपट्टा प्योर शिफॉन ही है और उस पर ग्रीन कलर की पाइपिंग है बिकॉज इसके काम में थोड़ा थोड़ा सा ये है. और फिर इस पर भी इस तरह से बीड्स पर्ल्स जो भी कहते हैं वो और थोड़े थोड़े फ्लावर्स बने हुए हैं. कहाँ है फ्लावर नहीं आ रहा, फ्लावर नहीं आ रहा. इस तरह से जैसे ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ना वो दुपट्टे पे हैं. ये मैंने पहना हुआ है तो आई शो पिक्चर्स. इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा. जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं लगा दूंगी पिक्चर. मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने बाल पीछे कर लिया और दुपट्टा भी तंग कर रहा था कपड़े दिखाने में, तो मैंने पिन अप कर दिया. नाउ आई एम रेडी टू शो अदर ड्रेसेस. और अच्छा मुझे एक चीज़ मेंशन करनी थी. आई एम मेंशनिंग द पेज बिलाल्स कुतियोर. ये मेरे ब्रदर इन लॉ का पेज है एंड ही इज़ नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एट ऑल. ये पेज भी मैंने उनको बना के दिया था और मैं अपनी बहन को कहती हूँ यार तुम ही इसको एक्टिव रख लिया करो. बिकॉज मैंने पोस्ट पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम तो मुझसे सब कॉमेंट्स में पूछते हैं कि कहाँ से लिया है. एंड उनकी फिजिकल प्रेजेंस है बहावलपुर में. ऑनलाइन प्रेजेंस वो अपनी शो नहीं करते हैं तो मैंने उनको बड़ा कह के बोला कि एटलीस्ट मेरी कुछ पिक्चर्स ही डाल दिया करें या एटलीस्ट कोई आपको मैसेज करे तो रिस्पॉन्ड कर दिया करें ऑनलाइन भी. बिकॉज वो करते हैं काम, पता नहीं फेसबुक पेज कोई है मुझे इतना याद नहीं है. लेकिन अब इंस्टाग्राम पर मैंने उनको कहा है एक्टिव रहने को. सो आई एम मेंशनिंग द पेज. अगर किसी को किसी भी ड्रेस की डिटेल लेनी हो या कुछ भी हो तो उनसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट ड्रेस इज दिस. ये वो ड्रेस है जो अच्छा है पहले देख लें. ये ड्रेस जब आया था ना, मतलब मुझे जब वीडियो कॉल पे दिखाया था तो मुझे सबसे प्यारा ड्रेस ये लगा था बिकॉज इसका कलर कुछ ऐसा है और नेट पे है और पता नहीं बहुत अट्रैक्टिव लगा था मुझे ये. लेकिन जब मैंने इसको पहना तो मैं उतनी ही इसको मुश्किल हो रही थी मुझे कैरी करने में बिकॉज इट्स सो हैवी. इफ यू कैन जज मेरे हाथ से भी नीचे जा रहा है, गिर रहा है, बहुत हैवी है. पता नहीं इसका काम कुछ ऐसा है क्योंकि बाकी ड्रेसेस इन पर और काम भी है वो इतना हैवी नहीं फील होते पहन के, बहुत हैवी है. इसका काम यहाँ से फुल भरा हुआ है तो ये आगे जाता है और फिर नीचे जो इसके ये बॉर्डर बना हुआ है ये भी बहुत हैवी है. दिस इज़ सो हैवी. तो ये मुझे पहनने में कैरी करने में बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि मैं नन्ही जान हूँ. हैवी कपड़े मैंने कभी ज़िंदगी में पहने नहीं हैं. शादियों में भी मैं बहुत लाइट वेट कपड़े पहनती थी तो मुझे इस तरह के जब फॉर्मल कपड़े पहनने पड़े तो बहुत ही मुश्किल हुई मुझे कैरी करने में. और ये ड्रेस वन ऑफ दोज ड्रेसेस जो बहुत हैवी है. मेरा मज़ा भी दुख गया. अच्छा इट्स ऑन नेट. बाकी काम आपने देख लिया है. नेट का स्टफ है, इसका दुपट्टा भी नेट का है और इसका ट्राउज़र थोड़ा डिफरेंट है. ट्राउज़र है. अच्छा इसकी लाइनिंग वगैरह लगी हुई है जो भी. ट्राउज़र नज़र आ जा, नज़र ही नहीं आ रहा. बैग में तो नहीं गिर गया. नहीं गिर. अच्छा इसका ट्राउज़र ऐसा है, जामावार स्टफ होता है या बनारसी जामावार कहते हैं इसको. तो ये इस स्टफ पे स्ट्रेट ट्राउज़र स्टिच हुआ है. इसमें नहीं है पिक्चर्स क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार पहना था इसको लाइक फॉर 2 आवर्स और उसके बाद मैंने इसको दोबारा कभी नहीं पहना बिकॉज मैं इसको जब पहनने का सोचती हूँ मुझे लगता है मैं नीचे गिर जाऊँगी इसको पहन के, बहुत हैवी फील होता है मुझे. तो या दिस इज़ अ प्रिटी ड्रेस.
बट डिफ़िकल्ट टू कैरी फॉर दोस्त जिन्होंने कभी फॉर्मल ड्रेसेस नहीं पहने इतने ज़्यादा लाइक मी. तो हाँ, अनदर थिंग कि मैं इसको आई एम लुकिंग टू सेल इट, आई मे सेल इट, आई एम नॉट लुकिंग टू सेल इट, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने एक तो वेडिंग ड्रेसेस सेल कर दूँ बिकॉज वो बहुत हैवी हैं. दोनों ड्रेसेस मेरे बहुत हैवी हैं, वनीमे का भी बारात का भी, और फिर फॉर्मल कपड़ों में बाकी सब तो नहीं, क्योंकि बाकी सब मैंने सब ड्रेसेस एक एक बार पहने, जो नहीं पहने वो तो फिर नहीं पहने, और ये वाला जो है एक बार पहन के मेरी बस हो गई क्योंकि मुझे कैरी नहीं हो रहा. तो आई मे पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, और अगर इसके अलावा भी किसी को यूट्यूब से भी लगे कि आपको बाय करना है ये मुझसे, तो यू कैन मैसेज मी, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, बट वो कभी मेरे से मिस भी हो जाते हैं, और स्पेशली वीडियो जो पुरानी हो जाती है तो वो मिस हो जाते हैं. तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हमेशा मैंशन होता है लिंक में भी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी, और हर जगह पर. तो अगर किसी को चाहिए हो तो मैंशन नहीं, और हाँ ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट उसकी मैंने मैंशन की है, मुझे भी किसी ड्रेस की कॉस्ट नहीं पता, तो मैं एडिट करते हुए डालूंगी साथ साथ. तो जो भी कॉस्ट मैं बता रही हूँ उससे तो ऑब्वियसली चीपर प्राइस पे सेल करूँगी बिकॉज एक बार भी पहन चुकी हूँ मैं इसको. नेक्स्ट ड्रेस इज दिस, खड़ी होती दिखा देती हूँ पूरा ऊपर से नीचे तक. ओके, ये इसका स्टाइल ये है, और इसके पीछे भी काम है, इसके पीछे काम है इस तरह का, और आगे से थोड़ी सी ओपन शर्ट है यहाँ से नीचे से जाके, एंड इसका जो गला है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, स्वीट हार्ट या हार्ट पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं. तो इसका गला उस स्टाइल में पसंद है बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैवीस्ट ड्रेसेस, मेरे ख्याल से ये पिंक वाले से भी ज़्यादा हैवी है, लेकिन पता नहीं वो कैरी करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, ये कैरी करना भी बहुत मुश्किल था. हाँ, ये भी मुश्किल था, बस डिफरेंस ये है कि मैंने पप्पा के घर पहना था तो इट वॉज स्टिल ईजी, और वो वाला ड्रेस मैंने किसी और गेस्ट के घर पहना था तो मुश्किल हो रही थी मुझे. ये दो ड्रेसेस कैरी करना मुझे बहुत मुश्किल हुई थी. तो ये भी बहुत हैवी है, यू कैन सी फुल भरा हुआ है काम से, एंड कोई ऐसी काम नहीं है प्रॉपर, इस पर नग वगैरह और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है. क्लोजअप दिखाऊंगी तो आपको, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है कपड़ों का वो जज कर लेंगी. और ये है, ये ड्रेस पहन के बहुत प्यारा लगा था, इस पर भी मैंने इंस्टा में पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, ये ड्रेस प्यारा बहुत लगा था, बट वो पिक्चर्स जस्टिफाई नहीं कर रही थी मेरे लुक को, बिकॉज उस दिन मैंने शायद मैं बहुत थकी हुई थी, और उसके अलावा मैंने लाइनर नहीं लगाया था, तो मेरी आँखें बहुत छोटी छोटी लग रही थी जैसे बहुत थकी हुई है. तो ये है इसका दुपट्टा जो है. अच्छा, ये ड्रेस भी जो है वो ऑर्गेन्जा स्टफ पे है. यस, दिस इज़ ऑन ऑर्गेन्जा, और इसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है, और ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, और इसका जो ट्राउज़र है वो भी थोड़ा नहीं, वो ऑर्गेन्जा नहीं है, ट्राउज़र के स्टफ मुझे नहीं पता क्या है, बट वो इस तरह का है, शाइनी कपड़े में है. आई वोस्ट पिक्चर्स मेरे पास हैं, ड्रेस में भी पिक्चर्स, तो आप देख सकेंगे प्रॉपरली. एंड ये ड्रेस भी मैं शायद सेल कर दूँ मे बी, लेकिन शायद एक आधी बार और पहनूंगी और इसके बाद सेल करूँगी, बिकॉज ये बहुत प्यारा लगा था पहन के. तो आई डोंट वांट टू वेस्ट इट बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस पे तो सेल नहीं होंगे सारे कपड़े, तो एटलीस्ट थोड़ा एक आधी बार पहन लूँ फिर उसके बाद काम करके सेल कर दूँ. इसके स्लीव्स भी बहुत प्यारे बने हुए ऐसे करके. सो दैट्स अनदर ड्रेस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. This is the next dress, and ये मेरी मेहंदी का dress है, अगर किसी ने पहचाना हो. ये dress मेरी मेहंदी का है, और ये पता नहीं ये भी organza stuff है. हाँ, organza stuff ही है ये भी, और ये पीछे से ऐसा है, इस तरह का काम है इस पर. इसके साथ सिल्क का प्लेन गरारा है,
इस कलर में, ग्रीन कलर में। एंड इसका जो दुपट्टा है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं था, मेहंदी पे इतना टाइम नहीं था, जब मैंने देखा है इसको तो उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि मैं और बनवा सकूँ। तो इसका दुपट्टा इस टाइप का है, पोस्ट पिक्चर्स। तो मेरा प्लान ये है कि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था पहन के, बहुत प्यारा लगा था। तो आई एम प्लानिंग कि मैं इसका दुपट्टा जो है उसको वेस्ट कर दूँ या उसको कहीं और यूज़ में ले आऊँ, एंड इस तरह का ऑरेंज कलर का एक दुपट्टा बना लूँ मैं इसके साथ, सो दैट आई कैन वेयर इट समवेयर एल्स टू। नेक्स्ट इज दिस, ये मुझे खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। इट्स अ मैक्सी, एम्ब्रॉयडर्ड मैक्सी है, काम वाली नहीं है, बट इसका काफ़ी फ्लेयर है एंड काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये वाली जो मैक्सी है ना, मैं बैठ के बताती हूँ, ये वाली मैक्सी जो है आई वोर इट ऑन माई कजन्स वलीमा, आपने वहाज के वलीमे वहाज की शादी के वो देखे होंगे, ब्लॉग्स देखे होंगे, तो उनमें वलीमे में मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। और उसकी शादी के दो ड्रेसेस थे, एक तो मेहंदी का और एक ये था मेहंदी वाला भी आज शो। तो ये दो ड्रेसेस जो हैं मैंने सिर्फ एक एक बार पहने थे उसके इवेंट पे, तो मैंने उनको भी रख लिया था। और बारात में मैंने अपनी इंगेजमेंट वाला ड्रेस पहना था, तो वो तो ऑब्वियसली मेरे पास है। अच्छा, ये नेट पे है, और नेट मतलब ऊपर से इसकी नेट का कपड़ा है और अंदर इनके ये जामा वायर टाइप लगी हुई है फ्लेयर के लिए, बट ये जामावार नहीं है, ये कपड़ा थोड़ा इस तरह का शाइनी है, और ये पता नहीं कौन सा कपड़ा है, बट ये जो भी कपड़ा है बहुत फ्लेयर देने वाला है, लाइक अकड़ा अकड़ा सा है जैसे फ्लेयर आ रही है। तो ये ऐसा है, बैक से ऐसा है, और इसका दुपट्टा भी काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है, दुपट्टे के बॉर्डर पे और पूरे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, एंड दुपट्टा नेट का है। एंड इसका ट्राउज़र वैसे तो किसी काम का नहीं है क्योंकि पाँव तक मैक्सी थी, ट्राउज़र है ही नहीं इसका। तो ये मैक्सी है और इसका दुपट्टा है। ओके, दिस इज़ दैट मेहंदी वाला ड्रेस, वो आज की मेहंदी पे जो पहना था मैंने। ये इसकी शॉर्ट शर्ट है, बहुत शॉर्ट नहीं है, नीज तक है या नीज से थोड़ा नीचे है, और इसके नीचे अच्छा इसका दुपट्टा शिफॉन में है ग्रीन कलर का, और इसका जो बॉटम है वो है गरारा, एंड गरारा इस तरह का। आई वॉच पिक्चर्स इसकी भी, ये खोल के दिखाना ज़रा मुश्किल होगा, तो गरारे पे भी इस तरह थोड़ा थोड़ा सा काम हुआ है, मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई है, गोटे टाइप का है, गोटा एंड एम्ब्रॉयडरी मिक्स है। तो ये उसकी मेहंदी का ड्रेस है। नेक्स्ट इज़ दिस, दिस इज़ अनदर मैक्सी, एंड ये सिल्क पे प्लेन मैक्सी बनी हुई है जो कि पता नहीं कितनी फ्लेयर वाली है, लाइक बहुत खुली है, बहुत ज़्यादा, और ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है। ये इसका स्टाइल कुछ ऐसा है, मतलब ये खुली खुली सी है, इसके नीचे इसका ट्राउज़र है, और ये लाइक कट भी नहीं है बट इस तरह की बनी हुई है, ये यू कैन सी, ये ऐसी है, और बहुत ज़्यादा फ्लेयर है। और पीछे जो है इसकी टेल है, ये टेल वाली मैक्सी है, ये पीछे तक जाती है। आई डोंट हैव अ पिक्चर इन दिस, बट मैंने कभी पहना तो इंस्टा पे लग जाएगा। अच्छा, मैंने अभी तक जो ड्रेसेस दिखाए हैं सारे, वो सब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाए हैं, डिज़ाइन उन्होंने किए, कपड़े उन्होंने लिए, डिज़ाइन भी उन्होंने किए, हाँ बनवाए भी उन्होंने, फिर स्टिच भी उन्होंने करवाया, सब उन्होंने किया, एंड मुझे कुछ नहीं पता था मेरे कपड़े क्या बन रहे हैं, बट आई लाइक ऑल ऑफ माई ड्रेसेस। अच्छा, अब ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने रेडीमेड लिया था, ये भी एक मैक्सी स्टाइल है, ये इस तरह की है, ये भी थोड़ी खुली सी इधर उधर जा रही है, आगे से शॉर्ट है फिर टेढ़ी जा रही है, ऐसी है, मैंने ये भी नहीं पहनी अभी तक, और ये सिर्फ शर्ट है। और ये मैंने ली थी लकी वन में सनाउल्ला से, सनाउल्ला की लकी वन वाली जो आउटलेट है ना, वहाँ से ली थी ये मैंने,
इसकी प्राइस शायद लिखी हुई होगी इस पर, इसकी प्राइस है 6500। तो मैंने ये वहाँ से ली थी। इस वजह से हल्का सा यहाँ गले का काम है एंड ये रेडीमेड है, तो इट्स लाइक दिस। एंड लास्ट ड्रेस इज दिस, ये भी रेडीमेड लिया था मैंने, ये थ्री पीस है, ये ऐसे है, ये ऑर्गेन्जा स्टफ पे है एंड ये इस तरह का है। ये मैंने रेडीमेड लिया था बिन सईद से, बिन सईद की कहाँ पे थी आउटलेट पता नहीं कहाँ पे थी, क्या टैग देखे मुझे याद आ रहा है कि बिन सईद का था। इसका दुपट्टा पिंक कलर में है, सॉरी इसका जो ट्राउज़र है वो पिंक कलर में है और इसका दुपट्टा ऐसा है, दुपट्टा इज़ वेरी प्रिटी प्रिटी, ये ऐसा दुपट्टा है इसका। ओके सो दैट्स इट, फॉर्मल ड्रेसेस यही थे सब। और इसके अलावा मुझे अपने वलीमा बरात के ड्रेस का मेंशन करना है, मैं वो उनकी अलग से पिक्चर्स लगा दूँगी, हाँ लगा दूँगी मैं वो पिक्चर्स, क्योंकि अब वो मैं खोल के नहीं दिखा सकती। आई हैव केप्ट देम इन सूटकेस, वो मैंने शादी के फौरन कुछ दिन बाद ही अपने दोनों ड्रेसेस शेरी की शेरवानी सबको सूटकेस में पैक किया और ऊपर रख दिया, वरना मेरे कवर के रॉड्स लटक जाने थे, बहुत हैवी ड्रेसेस थे मेरे दोनों। तो उन दो ड्रेसेस के लिए ये कि इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू बाई देम, बरात वाला ड्रेस मेरा डिज़ाइनर ड्रेस है, अच्छा उसकी मैं डिटेल बता देती हूँ। दैट्स अ डिज़ाइनर ड्रेस जो मैंने किसी डिज़ाइनर का देखा था, पसंद किया था एंड उसकी कॉस्ट अच्छी खासी आनी थी। मतलब अगर मैं डिज़ाइनर वाला ड्रेस, डिज़ाइनर की कॉस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा होती है, लाख्स में कोई 10 लाख 12 लाख होती है, बट उसको मैं अगर किसी बाहर की शॉप से भी बनवाती ना तो उस ड्रेस की कॉस्ट आनी थी 4 लाख प्लस, इतनी थी उसकी कॉस्ट। वो बहुत हैवी है और उसका काम भी कुछ इस टाइप का है, लाइक अच्छे वाला बहुत ज़्यादा काम है। तो फिर मैंने वो, मुझे पहले कोई ड्रेसेस पसंद नहीं आ रहे थे, जब मुझे वो वाला पसंद आया बरात वाला, तो आई टोल्ड माय ब्रदर इन लॉ कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वो मैं बनवा दूंगा। और उन्होंने मेरा ड्रेस बनवाया था 1,35,000 का, तो वो डिज़ाइनर ड्रेस 1,35,000 में इज़ लाइक मेरे लिए तो है ड्रीम कम ट्रू हो गया था, बहुत प्यारा ड्रेस था वो। फिर अब उसका सीन ये है कि वो इतना हैवी है, आई थॉट पहले कि मैं भी उसको सेल ना करूँ क्योंकि वो बहुत प्यारा है, इट्स सो क्लोज टू माई हार्ट, आई डोंट वांट टू सेल इट, बट उसको मैं और कहाँ पहन सकती हूँ, यहाँ पे आई हैव अ सिस्टर इन लॉ जिसकी शादी हो सकती है तो मैं पहन सकूँ, लेकिन वो इतना हैवी है दैट आई डोंट वांट टू स्टील हर थंडर, या मैं अगर इवन अपनी बहन की शादी पे या किसी भी बहनों में बहुत बहुत हैवी लगेगा। अगर थोड़ा लाइट ड्रेस होना तो दुल्हन वो पहन भी सकती है, रिपीट कर सकती है, लेकिन वो अगर मैंने पहन लिया तो वो दुल्हन से भी ज़्यादा हैवी लगेगा। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं उसको सेल कर दूँ, नॉट एट द एग्जैक्ट प्राइस जिसमें मैंने बनवाया था ऑब्वियसली, उससे कम पे, बिकॉज आई वॉन्ट इट फॉर एन एंटायर डे अपनी शादी पे। ओके एंड जो मेरा वलीमे वाला ड्रेस है उसकी कॉस्ट मुझे अभी पता नहीं है, आई विल आस्क शेरी, अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ उसमें तो वो मुझे बता दे, बट ही टोल्ड मी समथिंग अबाउट लाइक 75,000 ऐसी कुछ कॉस्ट बताई थी उस वलीमे वाले ड्रेस की, लेकिन मुझे अभी स्टिल कन्फर्म नहीं है एंड ऑब्वियसली आई वॉन्ट सेल इट उस एग्जैक्ट प्राइस पे। तो वो वाले ड्रेस की जो कॉस्ट है वो भी अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर लें, आई विल सेल द ड्रेसेस एंड उनकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम करके काफ़ी कम हो जाएगी। तो इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय दोस ड्रेसेस कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, एंड उसके अलावा ये पिंक वाला ड्रेस अगर किसी को लेना है, कोई इंटरेस्टेड है तो टेल मी। ये वाला तो मैं अभी सेल करना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई नो कि मैं ये नहीं पहनने वाली हूँ दोबारा, मुझसे कैरी नहीं होगा। और इसके अलावा हाँ, सो दीज वर माई फॉर्मल ड्रेसेस। इसके अलावा आई हैव सम सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल ड्रेसेस, कैजुअल तो इतने हेयर अब नहीं काबिल रहे क्योंकि मैंने सर्दियाँ सारी कैजुअल ड्रेसेस पहन ली हैं, बाकी सेमी फॉर्मल ड्रेसेस जो मेरे पास हैं मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उन्हीं की बना लूँ, हो सकता है मैं आज ही बना लूँ, अभी मैं टाइम देखती हूँ, अगर टाइम हुआ तो मैं सेमी फॉर्मल की भी बना लूँगी, नहीं तो फिर किसी और दिन बना के आई शेयर माई सेमी फॉर्मल ड्रेसेस विद यू गाइस एज वेल। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।